हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर। आपका बीएड फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट पेपर है, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। यह वीडियो जो है अवध यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। कहने का मतलब यह है, इन दोनों यूनिवर्सिटी में आपका सिलेबस आपका है। ठीक है ना, और इसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, आप बीएड के किसी भी ईयर या फिर किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपके सिलेबस में नॉलेज एंड करिकुलम है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ठीक है ना, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी नहीं करते हुए। ये हमारी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो हम जो है बना चुके हैं, अपलोड की जा चुकी है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पे जाकर के उसको आसानी से आप देख सकते हैं। और अगर आप एमए बीए ना और एमए एमएससी बीएससी किसी भी क्लास में हैं तो उसका भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल पे चले जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ हर एक वीडियो का जो है हर एक टॉपिक का प्ले लिस्ट डाला गया है। आसानी से चीज़ें आप वहाँ कवर अप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक बढ़िया मार्क अचीव कर सकते हैं। तो डेली 7 बजे यह वीडियो पढ़ती है, इसको ध्यान में जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना पढ़ने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, कुछ अतिलघुत्री प्रश्न है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हमारा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है, जबकि 4 प्रश्न पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, कि गांधी जी की शिक्षण विधि का उल्लेख कीजिए। भैया, गांधी जी की जो शिक्षण विधि थी वो क्या थी, उसके बारे में आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए, लिखा गया शिक्षण विधि में गांधी जी महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। भैया, जो शिक्षण विधि है इसमें जो महात्मा गांधी जी थे वो महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन क्या था? इस परिवर्तन की दिशा में वे पहली बात यह चाहते थे कि शिक्षण का माध्यम जो है मातृभाषा हो। भैया, जो शिक्षा दी जा रही है वहां की मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है ना, दूसरी बात वो क्या चाहते थे, दूसरी महत्वपूर्ण बात वे यह चाहते थे कि शिक्षण पुस्तकी ना होकर क्राफ्ट केंद्रित। भैया, जो शिक्षण है वो किताबी ज्ञान ना दे करके आपका प्रैक्टिकली ज्ञान ज्यादा हो, हस्त कला का ज्ञान ज्यादा हो, शिल्प कला का ज्ञान क्या हो ज्यादा उसमें दिया जाए। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है कि क्राफ्ट को केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर चरित्र निर्माण का भी साधन मानते थे हमारे गांधी। ठीक है ना, इस क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा के द्वारा वे बालकों को हाथों की शिक्षा देना चाहते थे। यानी भैया, जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जो थे, केंद्रित क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा के द्वारा बालकों को जो है हस्तकला की शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है ना, शिल्प कला की शिक्षा देना चाहते थे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है ना, कि आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का योगदान बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, और प्रश्न यहाँ बार आ भी सकता है, चांसेस ज्यादा है इसके आने के। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर में कि आधुनिक भारतीय शिक्षा की देन, ठीक है ना, के रूप में जो बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग निम्नलिखित है। भैया, आधुनिक भारतीय शिक्षा को जो देन के रूप में बौद्ध शिक्षा का जो अभिन्न अंग है वह निम्नलिखित रूप से है। तो पहला रूप क्या है, सामान्य विद्यालयों का आयोजन, ये पहला जो है योगदान दिया गया था भैया बौद्ध शिक्षा के। ठीक है ना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन, भैया सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा यानी सबको जो है सार्वजनिक लोगों को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या था, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन भी बौद्ध शिक्षा के द्वारा ही किया गया। ठीक है ना, खेल कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन भी भैया बौद्ध शिक्षा के द्वारा दिया गया था। प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन भी बौद्ध शिक्षा के द्वारा ही भारतीय शिक्षा को दिया गया है। ठीक है ना, अगला बहु शिक्षक एवं सामूहिक शिक्षा की प्रणाली का आयोजन भी इसी शिक्षा के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इसी शिक्षा को दिया गया। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन भी जो है भैया बौद्ध शिक्षा के द्वारा हमारे भारतीय शिक्षा को दिया गया। अगला पॉइंट और क्या योगदान है, कि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधित न्यूनतम आयु नियमों और परीक्षा का आयोजन
भी जो है बौद्ध शिक्षा के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं क्या है भाई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए, बिल्कुल फ्री है, इसलिए करना है ताकि जब भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले वीडियो आपको मिले, आपको पता चले कि भाई आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर डाल दी गई, हमारे चैनल पर डाल दी गई। और यह आपका अपना चैनल है तो सपोर्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी। और एक बात, जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो इसकी, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, उस तक क्या करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और इस वीडियो को कम से कम तो 5 लोगों को शेयर करना तो बनता ही, आपका फर्ज है एक इंडियन होने के नाते कि पूरे देश को पढ़ाना, ठीक है ना, देश को आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आपको मैं अपनी जिम्मेदारी सौंपता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे। कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसको क्या करें, आप शेयर करें, जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति हो, ठीक है ना, जिसको भी जो है आप चाहते हैं कि नहीं वो आगे बढ़े पढ़े, ठीक है, उसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है भैया। शिक्षा और दर्शन के संबंधों का वर्णन कीजिए, यानी शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए लिखा गया है, शिक्षा और दर्शन का संबंध, शिक्षा दर्शन का ही सिद्धांत है, सॉरी, दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है, ठीक है ना, पहला पॉइंट है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दर्शन सैद्धांतिक एवं विचार मूलक है, जबकि आपका शिक्षा जो है व्यवहार मूलक है। जो आपका दर्शन है वो सिद्धांत पर और विचार मूलक है, इस पे काम करता है, जबकि शिक्षा जो है आपका व्यवहार मूलक, व्यवहार व्यवहारिक चीजें हैं, इस पे काम करती है, ठीक है। अगला क्या है, दर्शन शिक्षा का पूरक है, भैया दर्शन जो है शिक्षा का पूरक है, अगर दर्शन ना हो तो शिक्षा कह सकते हो अधूरी, ठीक है। अगला, दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है, भैया जो दर्शन है वह शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है, ठीक है ना। अगला, शिक्षा का एक आधार दर्शन भी होता है, भैया शिक्षा का एक आधार जो है दर्शन भी होता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं भैया, दर्शन और शिक्षा का संबंध जो है आत्म और मूल्यों से, ठीक है ना, भैया जो दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्म और मूल्यों से। अगला पॉइंट कि शिक्षा विभिन्न ढंग से दर्शन से संबंधित, भैया शिक्षा जो है तमाम प्रकार के ढंग से जो है दर्शन से संबंधित है। संबंधित कैसे है इसको हम जब लॉन्ग वीडियो पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, अभी जो है शॉर्ट वीडियो है तो इसमें ज्यादा देना जो है डेटा ठीक नहीं है। तो जितना से काम चल जाए, जितने से आप एक अच्छा मार्क अचीव कर सके, बस उतना ही डेटा आपको देने का प्रयास किया गया है। जब लॉन्ग वीडियो यानी दीर्घ उत्तरी या फिर लघु उत्तरी देखेंगे तो उसमें सारी चीजें डिस्क्राइब की जाएंगी, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों जीवन के अभिन्न अंग है, यानी शिक्षा और दर्शन दोनों भैया जो है जीवन के अभिन्न अंग है, ठीक है ना। दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है, भैया जो दर्शन है वो शिक्षा का मार्गदर्शक है, शिक्षा को राह दिखाता है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 8वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न इसलिए कम, इतना प्रश्न इतना कम इसलिए लिया जा रहा है ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और आपको बोरिंग ना फील हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है उसके बारे में देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। देखते हैं, प्रकृतिवादी यानी भैया जो प्रकृतिवादी होते थे वो पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे, उनके मतलब से जो किताबी नॉलेज है वह उस पर जो है विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकास करने और जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। भैया जो प्रकृतिवादी के लोग होते हैं उनके अनुसार असली शिक्षा का मतलब वह है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढाल सके, मनुष्य को प्रकृति के अनुसार विकास करने का तरीका सिखा सके और जीवन व्यतीत करने के योग्य बना सके, वही है असली शिक्षा का मतलब। किसके अनुसार, प्रकृतिवादी लोगों के अनुसार, ठीक है ना, या फिर प्रकृतिवाद के अनुसार। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यंत्रवादी प्रकृति यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया है, भैया जो यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने है इसी ने व्यवहार व्यवहारवाद को क्या किया है, जन्म दिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संपूर्ण व्यवहार की
व्याख्या मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं। भैया जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो मनुष्य की संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या जो है मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं कि उनके अंतर्गत मूल प्रवृत्तियां क्या है, मूल गुण क्या है, उसके आधार पर जो है उनके व्यवहार की जो है व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मैकडुगल के अनुसार, ठीक है ना, मैकडुगल के अनुसार इन्होंने जो है क्या मतलब शिक्षा को बताया है, परिभाषा दी है। तो मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही क्या है भैया, शिक्षा है। ठीक है ना, अगर इनके अनुसार या फिर किसी विद्वान के अनुसार आप लिख देते हैं छोटा सा एक कोट बना करके, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है डेटा, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना, आपके डेटा। तो शिक्षा का अर्थ अंततः, ठीक है ना, अंततः प्रवृत्तियों का जो है वाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना, यानी शिक्षा का अर्थ क्या है, जो अंत प्रवृत्तियां, जो आपके आंतरिक प्रवृत्तियां हैं उनको वाह्य जीवन में वो कैसे समन्वय स्थापित कर सकती हैं, उसी का मतलब क्या है भैया, शिक्षा। बस आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है ना। तो जाते जाते मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस भी लोगों को इस वीडियो को जरूरत है उस तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।